यूपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ सदर लोकसभा चुनाव की तारीखें जो जो नजदीक आ रही है, सियासी पारा काफी गर्म होता जा रहा है और जनपद में पार्टी के बड़े नेताओं का जनसभा कार्यक्रम का दौर जारी है। उसी कड़ी में गोपालपुर विधानसभा अंतर्गत बिलरियागंज क्षेत्र के बघैला स्थित मैदान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर जनपद जनसभा कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट रहा और चप्पे चप्पे पर पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंच पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके उपरांत मुख्यमंत्री ने जनसभा में जुटी भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते हुए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया तथा भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए जनता से समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सपा ने दलित युवा का अपमान किया है, पहले टिकट दिया फिर वापस लेकर सफाई परिवार को दे दिया। सपा की आदत धोखा देने की है, आजमगढ़ को आतंकवाद बनने से बचा लीजिए, इस बार निरहुआ को सांसद बना दीजिए। योगी ने कहा कि यह भाजपा की सरकार है, हम जनता के विकास की बात करते हैं, वंशवाद की बात नहीं करते, तो खुद का विकास करते हैं। इस पार्टियों के नेता विकास के बाधक थे, हमने बाधाएं दूर की हैं, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। वह अखिलेश ही थे जिन्होंने कोविड टीका को मोदी का टीका बोला था, उन्हें जनता की फिक्र नहीं है। हमने अपने बीच में एक कलाकार को उम्मीदवार बनाया है, उसको हाथों में हाथ लेना चाहिए। आप में से बहुत से युवाओं को फिल्मों में जाना होता है, हम नौजवानों के लिए अवसर लेकर आ रहे हैं। यूपी के अंदर सबसे अच्छी फिल्म सिटी बना रहे हैं, आजमगढ़ में मौजूद जल्द हवाई सेवा दे रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, साथ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, या काम पहले भी हो सकते थे। आजमगढ़ ने अखिलेश का संकट में साथ दिया, लेकिन क्या कोविड-19 संकट में सांसद अपने मिलने आए? मैं 3 बार आपसे मिलने आया था, जब देश में संकट था तब अखिलेश सहयोग नहीं गुमराह कर रहे थे। पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, सपा के लोग गरीबों का राशन खा जाते थे। प्रदेश की जनता ने 4 बार सपा और 3 बार बसपा को मौका दिया, परंतु यह लोग जनता के अरमानों पर खरा नहीं उतरे। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर भोजपुरी फिल्म स्टार सांसद रवि किशन, पूर्व विधायक वंदना सिंह, राधेश्याम सिंह, गुड्डू पारसनाथ यादव, घनश्याम पटेल, सत्येंद्र राय, रामपाल सिंह, रमेश यादव सहित आदि पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। आइए देखिए अनुराग मौर्य की खास रिपोर्ट। छोटे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए हम आए हैं निहोरा कर, और निहोरा करे अपने भोजपुरिया समाज से कि भैया हो, जितना माई बहन बच्चा लोग बाबा लोग बैठा है, ये आजमगढ़ को धोखा दिया गया, जात के नाम पर ये आजमगढ़ के साथ छल हुआ है, जात के नाम। दूसरा मेरे छोटे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप दीजिए, अगर 2 साल में निरहु द्वारा सरकार की योजना यहाँ नहीं करती है तो 24 के चुनाव में गिरोह को नहीं जिताना। लेकिन ये चुनाव कांटे की टक्कर का हो चुका है, और अभी पूज्य महाराज जी आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ लगा है, पूरा तरह से जो माहौल बनल बाम्मेलन के कमल खिलाए के बाटे, तो अपन समाज से, क्योंकि हम जौनपुर के राकत का है, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, आप लोग बचपन से हमको देख रहे हैं, जब से जान रहे हो कि हम जैसे गरीबी से आए हैं, दिनेश लाल यादव निरहु भी वैसे आए हैं, निरहु भी बहुत मेहनत करके उठा रहा है। आज गोरखपुर में पूज्य महाराज जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमको बनाए, आप गोरखपुर की आप काया देखिए, गोरखपुर बदल गया है महाराज जी के आशीर्वाद से। उसी तरह मैं वचन देता हूँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ को 23 तारीख को कमल के निशान पर आप लोग मोहर लगाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और आजमगढ़ कैसे बनेगा देखिएगा, यहाँ पर विकास कैसे होगा देखिएगा। श्री दिनेश लाल यादव कोर्ट पर निरहुआ थे, और उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, पांच वर्ष के लिए आपने अपना सांसद चुना था, लेकिन भाइयों बहनों 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही मात्र
तीन वर्ष में ही वे धोखा देकर के आजमगढ़ वासियों को चले गए। और आज आजमगढ़ में फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। मित्रों, आजमगढ़ की अपनी एक पहचान थी। आजमगढ़ महान क्रांतिकारियों की, ऋषि मुनियों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और महान साहित्यकारों की भूमि है। और इस आजमगढ़ ने दो दो बार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद के रूप में यहां से चुन करके भेजा। पार्टी के जिला के अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री संजय निषाद जी, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, आशीष पटेल जी, रविंद्र कुशवाहा जी, सकलदीप राजभर जी, कमलेश पासवान जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री सत्येंद्र राय जी, जयनाथ सिंह जी, प्रेम प्रकाश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के। कोरोना काल में सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सोचने लगे हम क्या करें, कैसे करें, जो हमारे आजमगढ़ के लोग, बलिया के लोग, देवरिया के लोग, पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, अलग अलग राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए, वो वहां फंस गए। और जब वहां से उनको घर वापस आना हुआ तो बड़ी मजबूरी में थे, तब पूजनीय महाराज जी ने कहा कि मैं सभी लोगों को सुरक्षित लेके अपने उत्तर प्रदेश में आऊंगा, उनके खाने की व्यवस्था करूंगा, उनके रहने की व्यवस्था करूंगा, उनके दवा की व्यवस्था करूंगा। ऐसे हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हमारा सौभाग्य, आपका सौभाग्य। राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।